आपकी फितरत है, चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र नहीं कहती है, संकल्प पत्र कहती है। और संकल्प सिद्ध आपका इतिहास है बोलकर भूल जाना, हमारा इतिहास है जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। माननीय, मैं आज कहता हूं कि हमने कहा था कि टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लाएंगे, और आज तीन हॉटस्पॉट कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंसक घटनाओं में 63% की कमी हुई है, 73% मृत्यु में कमी हुई। और आज आतंकवाद को डेफिनेशन को इसके अंदर जोड़कर इस गति को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि इस देश को टेररिज्म के दंश से मुक्त कराना है, इसलिए हमें लेकर आए हैं। मित्रों, मान्यवर, हमने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, हमने संकल्प लिया। कहते थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त, कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश जाने वाला, ये वादा भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था इस देश की मातृशक्ति को इस देश के नीति निर्धारण के अंदर हम उचित सम्मान देंगे। 33% आरक्षण विधान मंडलों में और लोकसभा में देकर आजादी के 75 साल बाद इस देश की मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और हमने कहा था माननीय, न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे, कानूनों को भारतीय बनाएंगे और न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। ये मैं जो पढ़ रहा हूँ हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, उस वक्त मैं ही पार्टी का अध्यक्ष था माननीय, और आज हम इसको पूरा करने का काम इस महान सदन के आशीर्वाद।